गाइज पृथ्वी पर मकड़ियाँ कितने हैं, हमारे आसपास में कितने मकड़ियाँ घूम रहे हैं, मेरे पास में कितने मकड़ियाँ अभी है, इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा वीडियो के अंत तक बने रहे। मकड़ी जिसे कहा जाता है कि मकड़ा, मकड़ा जो कि वह पृथ्वी पर कितने साल पहले से ही आए हुए हैं, वह पृथ्वी पर मनुष्य से और जीव जंतुओं से बहुत पहले ही आ गए हैं। आप यहाँ सुनकर चौंक जाएंगे, वह लगभग 40 करोड़ साल पहले से पृथ्वी पर आ चुके हैं, जो कि वह धरती यानी कि उनका जीवन काल है 1 साल से लेकर 20 साल तक जीवन काल है, जो विभिन्न प्रकार का उनका प्रजाति। गाइज पृथ्वी पर जो मकड़ी है वो कितने प्रकार के हैं, आपने कभी यह बात को आप अंदाजा लगाए हैं कि मकड़ी जो है कितने प्रकार के, मकड़ी भी इतने प्रकार के हैं या इतने अधिक मकड़ी है कि आपके यानी कि हम लोग आप लोग जिस जगह खड़े हैं उसके आसपास में यानी कि 10 फीट के आसपास में एक ना एक मकड़ी को हो ही जाना है। आप इस बात को एक बार ध्यान से महसूस कर सकते हैं। गाइज पृथ्वी पर जो मकड़ी है ओ यानी कि कितने जनसंख्या है के हिसाब से है, यानी पृथ्वी पर कितने नंबर पर आता है उनका जनसंख्या, बहुत सारे मकड़ी है लेकिन जनसंख्या के हिसाब से एक नंबर स्थान पर मछली आता है फिश, लेकिन मकड़ी का कितना नंबर स्थान है, मकड़ी का भी स्थान कुछ आसपास में ही है, यानी कि वह सातवें नंबर पर मकड़ी का स्थान है, मकड़ा का स्थान है जनसंख्या के हिसाब से। क्या जो मकड़ी है उसको अधिक दूरों तक दिखाई देता है, आप लोग कहेंगे हाँ देख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है कि मकड़ी तो अधिक दूर तक देख नहीं सकता है, लेकिन कुछ जो ऐसे प्रजातियां हैं मकड़ी का वो किरणें जो हम लोग नगण्य आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको देख सकती है, UVA और UVB जो लाइट है किरणें है उसको मकड़ी देख सकती है, जो कि मनुष्य अपने नगण्य आंखों से नहीं देख सकता है। अगर आपके पास आसपास में कुत्ते हैं या आपके पास कुत्ते हैं उसको आप एक साथ प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं उसके साथ है, उस प्रक्रिया करने के बाद आपको जेल भी हो सकता है। ऐसा क्या प्रक्रिया है, ऐसा इसलिए है कि अगर आप कुत्ते को गुस्से दिला रहे हैं, उसके सामने गुस्से दिला रहे हैं कुत्ते को, तो आपको सजा भी हो सकता है। यह नियम सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा मान्यता है कि आप कुत्ते को गुस्से नहीं दिला सकते। गाय जो कुत्ते अपने बच्चे को जन्म देता है, जो जन्म देने के बाद जो बच्चे है उनका बच्चे क्या दिखते हैं, यानी कि कौन सा मुसीबत उनके साथ रहता है बच्चे के साथ। मुसीबत यह है कि वह पहले अंधे रहते हैं जन्म के समय, दूसरा नंबर कि वह सुन नहीं सकते हैं कुछ भी आवाज़ को, वह सुन नहीं सकते हैं कुछ समय के लिए, तीसरा बात वो बोल नहीं सकते हैं, चौथा बात है कि वह उनके पास दांत नहीं होता है। गाइज आपके पास जो ईमेल द्वारा मैसेज आते हैं उस मैसेज में अधिकतर किस प्रकार के मैसेज रहते हैं, जैसे कोई व्हाट्सएप सेंड कर रहा है तो उसमें लिखा हुआ रहता है मैं इस कारण से सेंड कर रहा, लेकिन ईमेल में किस प्रकार के मैसेज हमेशा आते रहते हैं। अधिकतर दुनिया में जितने भी ईमेल है उस पर प्रोडक्ट यानी कि कंपनियों द्वारा या कोई प्रोडक्ट का प्रचार ईमेल द्वारा दिया जाता है। गाइज इंटरनेट पर जो गूगल है उस पर जो कि वेबसाइट है, यानी कि प्रतिदिन कोई वेबसाइट हैक नहीं हो रहे हैं, जी हाँ हो रहे हैं, इतने मात्रा में हैक हो रहा है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इतने सारे वेबसाइट एक दिन में हैक हो जा रहा है पूरा दुनिया में। जी हाँ, वह वेबसाइट है जो कि 30,000 वेबसाइट एक दिन में मात्र वहाँ हैक हो जा रहे हैं, जो कि गूगल पर इंटरनेट पर जो वेबसाइट है वहाँ हैक हो जा रहे हैं। साउथ कोरिया में नियम है कि आप यानी कि आप गेम जो खेल रहे हैं प्रतिदिन उस गेम को किस समय से किस समय तक यानी कि 16 साल के बच्चे नहीं खेल सकते हैं, ऐसा क्यों है आप कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं। ऐसा वीडियो गेम को खेलने के लिए आपको रात्रि 12 बजे को बंद कर देना होगा और सुबह के 6 बजे से फिर से स्टार्ट करके आप खेल सकते हैं। यहाँ साउथ कोरिया का पबजी गेम को रात्रि 2 बजे बंद कर दिया जाता था और फिर से उसे ठीक यानी कि 6-7 बजे करीब में उसे फिर से स्टार्ट किया जाता था। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता था कि अगर आप कोई कोई व्यक्ति पबजी के कारण यानी कि मर भी गए, ऐसा
इसलिए नियम लगाया है कि अगर 24 घंटे कोई व्यक्ति पबजी गेम खेल रहा है तो सरकार के द्वारा बैन लग सकता है इस गेम पर कि इससे और से अधिक व्यक्ति मर रहे हैं, जो कि आपका गेम नहीं चला जाएगा। जो कि पबजी कंपनी वो आज 2 बजे रात्रि बंद कर देते थे कि सारे व्यक्ति सो जाए और अपने माइंड को फिर से रिस्टार्ट कर पाए, इसलिए पबजी गेम इस समय से बंद हुआ और फिर से वह चालू होता था। मैं वीडियो अच्छा लगा तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लूँ।